नमस्ते एंड वेलकम अगेन। आज मैं कॉन्टैक्ट के कुछ सेटिंग्स और इनके फीचर्स आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने टोन बना सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं इजीली, आपको यूज़ करने में कैसे आसानी होगी, कहाँ पर क्या फंक्शंस हैं, वो आज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा कि कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा बताएं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट में सबसे पहले होता है कि हम उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, ऑडियो सेटिंग, मिडी सेटिंग, ये सब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इंटरफेस, इंजन, होल्डिंग, लोडिंग, डाटाबेस, लाइब्रेरी, मेमोरी, यूज डाटा, ऑडियो एंड मिडी। इंटरफेस की बात करें तो आप देख सकते हैं रिसेट विंडो साइज और शो मैपिंग की, स्विच ऑन कीबोर्ड, ऑटो रिफ्रेश ब्राउज़र, ये सब आप अगर सेटिंग्स करोगे तो ये लैंग्वेज इसका है तो आप यूज़ कर सकते हो। इंजन बोले तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट रहता है आप वैसे ही रहने दें, बाकी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और होल्डिंग आप देख सकते हैं यूज़ कंप्यूटर की फॉर मिडी प्लेबैक, ये सब फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, आप टिक मार्क को मार्क करोगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एलएसटी कितना रखना है आपको, यहाँ से भी आप टच सेंस जिसको बोलते हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डबल क्लिक ऑडियो फाइल लोड इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक फीचर है, जब आप लाइब्रेरी में डबल क्लिक करोगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली पैनल पे चला जाएगा। तो ये सब फीचर्स हैं। मिडी चैनल असाइनमेंट फॉर लोडेड पैचेस, असाइनमेंट फर्स्ट फ्री, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है असाइन टू ओमनी, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। लोडिंग का भी ऑप्शंस दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, रेक्स फाइल का भी है, वेव फाइल का भी है, थर्ड पार्टी सैम्पल्स। डाटाबेस बोले तो इसमें आप लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं, डाटाबेस ऑटोमेटिकली एडेड लोडेड सोर्स फाइल, डाटाबेस इंक्लूड सैम्पल इन डाटाबेस स्कैन, ये क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सैम्पल स्कैन करेगा। ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो आपके ब्राउज़र में चला जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना फोल्डर, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीसेट एंड स्कैन कर सकते हैं। तो अब लाइब्रेरी की बात करते हैं, मैनेज लाइब्रेरी करेंगे तो ये पैनल खुलेगा, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, यहाँ से आप ऐड करेंगे, जहाँ भी आपने रखा होगा वहाँ से आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी का फंडा है। मेमोरी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओवरराइड इंस्ट्रूमेंट, प्रीलोड साइज इंस्ट्रूमेंट, प्रीलोड बफर साइज, कभी कभी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट आप लोड करते हो तो वो क्रैकिंग आती है, उसमें स्मूथ नहीं प्ले होता है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। यूजेस डाटा, ये तो खैर यूजेस डाटा ट्रैकिंग ये तो ऑटोमेटिकली करता ही है। ऑडियो की बात करें तो यहाँ से ड्राइवर आप सेट कर सकते हैं, आपने जो जो ड्राइवर्स इंस्टॉल किए होंगे, और डिवाइस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिवाइस ड्राइवर कॉन्फ़िगर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और स्टेटस रनिंग है, सैंपल रेट आप यहाँ से सैंपल रेट भी चेंज कर सकते हैं, और लेटेंसी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अब बात करें मिडी की, तो मिडी में जो भी आपने इनपुट आउटपुट
ये कीबोर्ड लगा रखा होगा वो पोर्ट आपको शो करेगा। तो ये हो गया सेटिंग। और उसके बगल में एक देख सकते हैं आप, ये पैनल सेव कर दिया हुआ है, न्यू इंस्ट्रूमेंट बैंक, लोड लोड रिसेंट, और सेव मल्टी एज, सेव एज, बैच री सेव, कलेक्ट सैंपल, बैच कंप्रेस, ठीक है, ग्लोबल पॉर्ज, ये भी इसमें एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पॉर्ज ऑल सैंपल करेंगे तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इसमें लोड कर रहे हैं और जो टाइम लेता है, जब आप ये कर देंगे तो बहुत जल्दी वो लोड हो जाएगा। तो इसका ये फंक्शन है और मैं यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ इसको। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये थर्ड नंबर पे जो है, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, कि कीबोर्ड चाहिए तो कीबोर्ड शो हो जाएगा, या आप अनचेक करोगे तो ये कीबोर्ड चला जाएगा। इस तरह से क्विक लोड का भी है, चेक करोगे तो आउटपुट्स इन्फो मास्टर ब्राउज़र, ये जो जो आप चेक पॉइंट करोगे वो आपको शो होगा। अभी मैंने चेक पॉइंट कर रखा है मास्टर में, तो मास्टर में आप देख सकते हैं मास्टर वॉल्यूम हमें मिल जाता है, ट्यूनिंग मिल जाता है, बीपीएम मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, इस तरह से। तो ये ऊपर का हो गया, ये छोटा बड़ा करने के लिए, विंडो छोटा बड़ा करने के लिए। और अब बात करें इस टाइप इधर की, तो जो लाइब्रेरीज हैं वो आपको इस पैनल में शो होंगी। फाइल सेक्शन आपको इधर दिखेगा, जो भी आपने फोल्डर सेट कर रखा होगा या कंप्यूटर का जितना भी है सब इधर ही दिखेगा, ठीक है। बाकी डाटाबेस अपने हिसाब से जो आपने सेट किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा। एक्सपर्ट ऑटोमेशन, ये सब तो इनका काम है, तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है। बाकी फाइल्स ये रखते हैं और यहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको ये पिच बाइंडर और मॉड्यूलेशन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपके मिडी कीबोर्ड के साथ वर्क करता है। तो ये तो चलिए इसका पूरा फेस हो गया, जो भी फेस है। अब हम बात करते हैं कि कुछ हम सेटिंग्स की, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स की बात कैसे करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट सेटिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा जो बेसिक पैनल था जिसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से सेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट की जो सेटिंग होती है वो मैं आपको, हमें क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं उसमें, हम उसको कौन कौन सा इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसका इफ़ेक्ट हम लगा के यूज़ कर सकते हैं, उनमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें मिल जाते हैं, किस तरह हम इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो ये था कॉन्टैक्ट के बारे में जो पूछा गया था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।